आइए, आपका इंतजार था। आ रहा हूँ बहनचोद। नमस्कार चिलगुजो। प्यार की आड़ में लोग क्या कुछ नहीं करते, घर वालों से लड़ लेते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, चुम्मी कर लेते हैं, यहाँ तक कि कंट्रोल सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्यार की आड़ में बच्चा बच्चा, वो भी 16-17 साल की उम्र में, सोच के ही लगता है कैसा हवसखोर दानव होगा वो। और थूथ देखो उसकी एक बार, ये इसकी मूछें नहीं फूटी अभी सही से, और ये चंडी का चमगादड़ बाप बनने वाला है। हे भगवान, क्या चल रहा है इस दुनिया में। वैलेंटाइन आ गया है, 16 साल के निब्बे बच्चे कर रहे हैं, और मैं 21 साल का लौंडा बड़वा इतना ज्यादा सिंगल है कि घर पे फीमेल के नाम पे भिंडी भी नहीं मिलती, मेरे घर पे खिड़की भी नहीं है, खिड़का है तो क्या करें भैया, इतना ज्यादा मेलों से घिरा हुआ हूं मैं, फीमेल नाम की चीज नहीं है सारा जिंदगी में। गंदा जोक मारा मैंने। खैर, अभी अपनी पर्सनल परेशानियों को दूर करके जरा दूसरों के घरों में जागते, उनकी गाल में उंगली करते हैं। मजा आएगा। तो ये महापुरुष का नाम है राजू साधु, और इसकी बीवी मतलब कि मिस निब्बी का नाम है रोशनी साधु। दोनों के ये अलग अलग चैनल है, एक पे 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स है और दूसरे पे 4.5 लाख के आसपास, मतलब टोटल मिलाओ तो अराउंड 1 मिलियन, और मेरे है 7.5 लाख। तो स्टार्ट करते हैं इनके वीडियो के इंट्रो से। हेलो ऑल गाइस, मैं राजू, और आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग वीडियोस पे। तो गाइस लोग, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो पूरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या क्या मिल बांट के काम करते हैं, एक टट्टी कर देता है तो दूसरा गांड भी धो देता होगा साला, इतनी हिम्मत आती कहां से। आप लोग के साथ अभी बाबू खेलेगा और बड़ा भी हो जाएगा फटाफट से। ओके गाइस, पहली बात तो वो हमारे साथ खेलेगा और फिर फटाफट से बड़ा भी हो जाएगा। नहीं मतलब कैसे, मैं क्या उसको श्राप दूंगा, मैं क्या वरदान दूंगा, देवता लग रहा हूं मैं। इसीलिए इंडिया में गाइस दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक एजुकेशन और दूसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन वो गुंडों वाला नहीं, और ये दोनों ही इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, तभी इसके पास अकल तो नहीं है, लेकिन एक बच्चा जरूर है। सालों पहन लिया करो, इतनी सी चीज नहीं ली जाती तुमसे, मतलब 10 रुपए का आता है, कोई महंगा भी नहीं आता, इतनी सी चीज नहीं ली जाती तुमसे। वीडियो वीडियो के लिए लाया था, मेरा पर्सनल कोई यूज ही नहीं है वीडियो। कट कट कर देना, कट। बेटा तुम बहुत ज्यादा परेशान करता है ना सबको। बहुत ही नटखट बन गया है तुम, बहुत नटखट हो गया है तुम। अबे तू कौन सा कम नटखट है बे, ये तेरी नटखटी ही तो बाहर आई है, अब तेरे पे नहीं जाएगी तो किस पे जाएगी। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं इन लोगों की बैक स्टोरी जरा सी आप लोगों को बता देता हूँ। ये लोग लॉकडाउन में भाग गए थे, भाग के शादी की थी इन लोगों ने, तो ये लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए एक जगह पे और सब कुछ बंद हो गया तो अटक गए। तो इनने एक वीडियो बनाया था मोदी साहब से गुजारिश करते हुए कि मोदी साहब आके इनको वहां से निकाले और बचाए। हेलो भाई लोग, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, अब आप ही बताइए। हाँ बस यही काम तो रह गया है मोदी जी को, देश की जीडीपी कहाँ जाएगी, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, उनकी सारी मीटिंग सारा काम कहाँ जाएगा, लेकिन पहले इनको बचाओ। अबे इस उम्र में ट्यूशन बंक करने में गांठ पड़ती है, तू पूरा घर बंक करके आ गया, कसम से उच्च स्तर की लैंडी है तू। क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता है, जैसे कि अभी क्यूट कपल मतलब पूरा वैलेंटाइन मना रहे हैं जोर शोर से। जोर शोर से वैलेंटाइन कैसे मनाते, क्या बैंड बजा लेके ओयो जा रहे हो। बोल तो ऐसा रहा है कि बड़ा जोर शोर से मना रहे, लेकिन बोल इतना ढीला रहा है, बड़ा जोर शोर से वैलेंटाइन मना रहे। लोग अपनों में ईद मनाने के लिए सब थोड़ा उत्साह दिखाओ, बच्चा पैदा करते तो बड़ा उत्साह था तुम्हारा। बड़ा हरामी हो बेटा, जगाओ जगाओ उत्साह वापस। और एक सेकंड, ये वापस सुनना जरा, जैसे कि अभी क्यूट कपल, जैसे कि अभी क्यूट कपल, क्यूट कपल, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इनने खुद नहीं मान लिया कि हम क्यूट कपल है, किसी ने नहीं बोला, मैंने तो किसी ने नहीं बोला, खुद ने मान लिया हम क्यूट कपल, मैं क्यूट कपल है हम। इवन अपना हैशटैग भी शुरू कर दिया, हैशटैग क्यूट कपल, देख नहीं है तो क्यूट, और तुम क्यूट कपल नहीं हो, नहीं नहीं हो बिल्कुल नहीं, किसी ने अपनी राय नहीं दी होगी, मैं बता रहा हूँ एकदम इधर से एकदम, तुम नहीं हो क्यूट कपल, बिल्कुल भी नहीं हो, सगे नहीं हो। क्या बोल रहा हूँ, ये मैं शार्क टैंक के असनीर जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ, मैं तेरा दोगला पन्ना उतारता हूँ अब। हाँ बट आई एम रूड बट दिस इज रियलिटी। और गाइस आप लोगों को बता रहा, आप लोग मतलब ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो सिर्फ गेम प्ले करते हैं, सिर्फ गेम खेल के आप लोगों को दिखाते हैं, और आप लोग उसमें लाखों करोड़ों व्यू दे देते हो, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी व्यू नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ। क्या होता है गेम प्ले, क्या होता है, क्या गेम प्ले, बकवास फालतू, एकदम वाहियात काम है गेम प्ले, इजी। अबे चूतिया कितनी मेहनत लगती है पता है गेम प्ले करने में, गांड फट जाती है, दुनिया के सारे गेमर्स तो चूतिया है, तू ये एक धनवान। और बोल तो ऐसा रहा जैसे अपने चैनल पे अपनी गांड से कबूतर निकाल के दिखाता है। मैजिक
डेली व्लॉग करके बस आज मेरे घर पे गाड़ी आ गई, आज मेरे घर पे साइकिल आ गई, आज मेरे को जोर से टट्टी आ गई जो मैं आपको व्लॉग के रूप में दिखा रहा हूँ। बाबू ने खाया, बाबू ने पिया, बाबू ने हगा, बाबू ने मूता, थूका, चाटा, काटा, बाटा, इसकी माँ का काजू का सटा। बस यही होता है ना वीडियोस में, तो क्यों आएंगे व्यूज? और आयरनी देखो, जब व्यूज नहीं आते तो सिंपैथी गेन करने निकल पड़ते हैं भैया। गाइस ये राजू रोशनी का लास्ट वीडियो है। हैशटैग क्यूट कपल। ये हमारा आखिरी ब्लॉग है, तो ये ब्लॉग पे आप लोग मतलब प्यार दे दीजिएगा, उसके बाद क्यूट कपल का वीडियो कभी भी नहीं आएगा। मतलब व्यू एकदम से डाउन हो रहा है, नहीं पता ऐसे हम लोग का तो नहीं चलने वाला है गाइस, अच्छा भी नहीं लग रहा है हम लोग को। अगर ये ब्लॉग पे 100,000 व्यू नहीं गया तो क्यूट कपल का वीडियो और कभी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। सिंपैथी के नाम पे दबा के व्यूज ढीचे इसने, और दो दिन बाद ही देखो वीडियोस रेगुलर, वीडियोस की लड़ी लगा रखी है। और वीडियोस के टाइटल तो देखो एक बार, सुन के आपकी आंखें बेशर्मी शर्म हो जाएगी। लव मैरिज करने की सजा, रोने लगोगे पक्का। क्यूट कपल रोशनी का तो हालत खराब होने लगा, और स्माइली बाबू कुछ नहीं होगा, नाक में छेद करवा दिया। क्यूट कपल फाइनली हमारा बेबी हो गया गाइस, आज मैं मायके जाऊंगी, ससुराल जाने के लिए रेडी क्यूट कपल। राजू रोशनी का रोड एक्सीडेंट हो गया गाइस, हैशटैग क्यूट कपल। आज का चैलेंज, वीडियो में दीदी का हालत खराब हो गया, क्या रोशनी जी फिर से प्रेग्नेंट? अबे तू पागल वागल है क्या? तेरे कच्चे के अंदर के जानवर को शांत कर जरा, तो निब्बी को मार के मानेगा तू? अभी तो पहले वाला सही से अपनी आंखें नहीं खोल पाया और ये बार बार अपनी पैंट खोले जा रहा है। अबे यूज कर लो प्रोटेक्शन पागल इंसान, इसकी बीवी भी नहीं बोलती, बीवी भी क्या बोलेगी, निब्बी है वो खुद ही उसको ये 5 साल में क्रिकेट टीम खड़ी करके मानेगा। अबे यूज कर भाई, 10 रुपए का आता है, महंगा नहीं आता, मेरी वीडियो देख तू जागरूक हो थोड़ा भाई प्लीज, ये मेरे पास से ले जा, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा नहीं है, बताया तो था वीडियो के काम के लिए, वीडियो में अपनी गाड़ बचाता घूम रहा हूँ मैं। पता चला क्या भाई, हल्ला करने से क्या प्रॉब्लम होता है, सभी को इको पता चलता है, बहुत से भाई इस तरह अपने से हल्ला करते हैं, मेरा ये गर्लफ्रेंड है, मेरा वो। हाँ और बढ़ा दे बैकग्राउंड म्यूजिक, और बढ़ा दे, हमारे कान फाड़ दे तू, ताकि तेरी आवाज समझ में ना आए हमको। मम्मा हमको बोलती थी आप प्लीज इस तरह अभी से मत करो, शादी देंगे अच्छा से क्या, तो मम्मा बोलती थी प्लीज इस तरह से मत करो। भाई ये कौन सी माँ है, ये कौन सी जगह रहती है ऐसी माँ, एक कौड़ी मार के संडास साफ करने भेज दिया होता ना तो आज इतनी बवासीर से भरी हुई औलाद ना बनता ही। तो चले गए इस लोग, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सी यू टाटा ऑल गाइस। ये फोकट की रसीलेदार चुम्मी ना अपने पास रखनी चाहिए हमको, और मैं जा रहा हूँ बस, अब मेरा दिमाग ना फट रहा है, नहीं तो मैं भी भाग के शादी कर लूंगा अभी, मेरे को जाने दो। तो अभी इतना दिमाग घिसाया है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाओ। और मेरा व्लॉग चैनल, शॉर्ट्स चैनल, गेमिंग चैनल सब कुछ नीचे है डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाओ सब्सक्राइब करो, वहां पे मैं रेगुलर आपसे मिलूंगा रेगुलर। चलो भाई बाय। और गुप्ता जी क्या हाल है, क्या तुम्हारा बेटा भी लड़की के साथ भाग गया? पर उसको पैदा हुए तो अभी 6 महीने हुए हैं। अरे 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 बड़ी जालिम दुनिया है, कोई बात नहीं, मैं मोदी जी का नंबर दे रहा हूँ, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे, बड़े नेक इंसान है यार।